छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय खेल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि रेल मंत्री से छत्तीसगढ़ में नई रेल लाइन के संबंध में चर्चा की। राज्य में रेलवे का दायरा कम है, लेकिन पीएम मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद हमें काफी उम्मीदें हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को 4 नई रेल लाइनें मिलेंगी। रेलवे क्षेत्र के संबंध में राज्य में आगामी विकास के बारे में भी चर्चा हुई है। तो इस दौरे से उम्मीदें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं और जो बयान अब तक सामने आए हैं वे भी आम लोगों की उम्मीदों को बढ़ाने वाले। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, सियासी गलियारे से खबर है लेकिन आम जनता को सीधे इससे फर्क पड़ता है। छत्तीसगढ़ को 4 नई रेलवे लाइन की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बातें कही हैं। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात हुई है दोनों नेताओं की। छत्तीसगढ़ में नई रेल लाइन के संबंध में चर्चा और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 4 नई रेलवे लाइन मिलेंगी। आइए सुनते हैं। माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेल का कवर कम है, लेकिन अब बहुत उम्मीद है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर। अभी बहुत सार्थक चर्चा हुई है और डीपीआर वगैरह बन रहे हैं। आने वाले समय में कई नए रेल लाइन का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है। उसमें एक तो अंबिकापुर बरवाड़ी रेल लाइन है जो 200 किलोमीटर है, जिसका सेंक्शन 1948 में हो गया था, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत आगे बढ़ गया है, अब इसमें काम होगा। एक खरसिया नया रायपुर होते हुए परमल कसा, ये नया रेल लाइन परियोजना 277 किलोमीटर का है। इस पर भी डीपीआर वगैरह बन रहा है। और उसी तरह से एक लाइन है रावघाट जगदलपुर, नई रेल लाइन परियोजना 140 किलोमीटर का है, इस पर भी डीपीआर वगैरह बन रहा है। और आने वाले समय में ये सब काम स्वीकृत होंगे। और एक और रेल लाइन है धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा, ये भी है, तो इस पर भी मतलब डीपीआर वगैरह बन रहा है। तो इस तरह से ये 4 नया रेल लाइन आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है।